बॉलीवुड में अक्षय कुमार ने वैसे तो कई फिल्में की जिसमें कॉमेडी, रोमांस, थ्रिलर, देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्में शामिल हैं। लेकिन अक्षय हमेशा से ही अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं। अपने करियर की शुरुआत में अक्षय ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में दमदार एक्शन किया, लेकिन इस वीडियो में हम अक्षय की उन फिल्मों की बात करेंगे जो पिछले 10 सालों में रिलीज की गई और जिनमें दिखा अक्षय का बेस्ट एक्शन। राउडी राठौर। साल 2012 में रिलीज हुई अक्षय की इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रभुदेवा ने। इस फिल्म में अक्षय के साथ सोनाक्षी सिन्हा भी दिखाई दी थी। इस फिल्म में अक्षय डबल रोल में दिखाई दिए थे। फिल्म में अक्षय का एक्शन माइंड ब्लोइंग था, जिसे देखकर थिएटर में बैठे ऑडियंस ने सीटियों पर सीटियां बजाई थी। हॉलीडे। इस फिल्म के बाद आई अक्षय की हॉलीडे। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था AR मुरुगडोस ने। इस फिल्म में अक्षय एक फौजी के रोल में नजर आए थे जो स्लीपर सेल को पकड़ते हैं। इस फिल्म में भी अक्षय के किरदार को पसंद किया गया, साथ ही एक्शन को भी। बेबी। 2015 में रिलीज हुई फिल्म बेबी का डायरेक्शन धीरज पांडे ने किया था। फिल्म में अक्षय पुलिस ऑफिसर के रोल में ही नजर आए थे। फिल्म की शूटिंग विदेशों में शूट की गई थी, जिनमें इस्तांबुल और काठमांडू शामिल है। इस फिल्म में भी अक्षय ने अपने दमदार किरदार से ऑडियंस को काफी इंप्रेस किया था। ब्रदर्स। करण मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आए थे। इस फिल्म में अक्षय एक बॉक्सर के रोल में नजर आए थे। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं किया, लेकिन फिल्म में अक्षय की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था। गब्बर इज बैक। 2015 में डायरेक्टर क्रिश के डायरेक्शन में गब्बर फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें समाज में फैले करप्शन को दिखाया गया था। फिल्म की कहानी जितनी लोगों को पसंद आई, उतना ही अक्षय का किरदार भी। और केसरी। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी केसरी में अक्षय एक ऐसे अवतार में देखने को मिले थे जो आज तक उनके फैंस ने नहीं देखा था। फिल्म में जितना दमदार एक्शन था, उतना ही दमदार इस फिल्म की कहानी थी।